दोस्तों, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल के आटे का बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। चावल के आटे और घर के कुछ बेसिक मसालों की ज़रूरत पड़ती है। इतनी कम चीज़ों से हम इतना क्रिस्पी नाश्ता तैयार करेंगे। आप इसे एक बार बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। चाय के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1.5 कप पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था, तो आप देख सकते हैं पानी भी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब मैंने ये 1/4 कप मूंग दाल ली है। मैंने बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है, तो दाल को मैंने वॉश करके रखा था। दाल भी हम पानी में डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और दाल को 1 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, दाल को मैंने पानी में बॉईल कर लिया है। अब मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और चावल के आटे को पानी में डालते हुए चलाते जाएंगे। अब साथ ही में इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और डो की तरह रेडी कर लेंगे। मैंने चावल के आटे से बनी बहुत सी रेसिपियां शेयर की है, आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चावल के आटे को आप घर पर भी बना सकते हैं। चावल को आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लें और इसे बारीक पीसें। इस तरह से आप चावल का आटा रेडी कर सकते हैं। मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे और साथ ही में हम गैस बंद कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। अब स्टोव को हम एक थाली में निकाल लेंगे। मैंने एक थाली ली है, थाली में हम कढ़ाई में से डो को निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे ताकि इसे हम आसानी से छू सके। तो डो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसे हम मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। डो को थोड़ी देर ठंडा होने दें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और इसे आसानी से मैश करना मुश्किल होता है। तो डो को मैंने मसलते हुए चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम बड़ी बोल जितना पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरह से गोल करते हुए लोई बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब इस लोई को हम बेलेंगे। तो लोई को बेलने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। प्लास्टिक शीट के ऊपर हम लोई को रखेंगे। लोई के ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। अब ऊपर से हम प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। लोई पर मैंने एक थाली रखी है, थाली से हम इसे प्रेशर से दबाते हुए इस तरह से थाली से दबा दबा कर इसे चपटा कर देंगे। अब इसे हम बेलन की हेल्प से बेलेंगे, रोटी की तरह बेल लेंगे। अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो इस हल्के फुल्के स्नैक्स को बनाकर आप ले जा सकते हैं। लोई को मैंने इस तरह से बेल लिया है। इसे मैंने ना तो ज्यादा मोटा बेला है और ना ही ज्यादा पतला। आप देख रहे होंगे चावल का आटा फट गया है, तो किनारे से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं इसे कट करने वाली हूँ। तो मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास की हेल्प से इसे हम पूड़ी की तरह कट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा आटे को हम फिर से डो में मिला लेंगे। इस तरह से हम पपड़ी रेडी कर लेंगे। इसी तरह से पूरे डो से इसी तरह की पपड़ियां बेल लेंगे। अब इन्हें हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी पपड़ियां बनाकर रेडी कर ली है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में मैंने तेल को डालकर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल भी गर्म हो गया है। हमने जो पपड़ियां बनाई है उसे हम तेल में डालेंगे। तो सारी पपड़ियों को हम कढ़ाई में डालकर पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसे हमें फ्राई करना है। पपड़ियों को मैंने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब पपड़ियों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बची हुई सारी पपड़ियों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चावल के आटे से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी पपड़ी बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप इसे जरूर बनाकर देखें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।